स्थानीय देवनगर कॉलोनी में लाखों की लागत से पेयजल योजना का शिलान्यास जन स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के लिए जल्द ही पेयजल लाइन तैयार हो जाएगी। शहर की इस कॉलोनी वासियों की लंबे समय से सीवरेज व पीने के पानी की 45 लाख रुपए की लागत से आने वाली पानी की सप्लाई की लाइन जल्द ही बिछवा दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में लोग श्रुति चौधरी के हाथ मजबूत करें व उन्हें भारी मतों से जितवाएं ताकि वह अपने शहर का विकास कर सके। वहीं उन्होंने अशोक तंवर को जिम्मेवारी दिए जाने की बात पर खुशी जाहिर की और कहा कि नए लोगों के साथ नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने श्रुति चौधरी की टिकट को पक्का बताते हुए कहा कि वह हमेशा लोगों के बीच रहे हैं और विकास कार्य किए हैं, अब जनता ही उनका प्रचार करेगी। ना सीवर की व्यवस्था थी, ना पीने के लिए पानी था। अब पूरे भिवानी को एंड टू एंड हमने कवर करा है। सीवर जो है लग रहे हैं, धड़ाधड़ सीवर लग रहे हैं, पानी की पाइपलाइन बिछ रही है। ये देव कॉलोनी है जो बहुत बाहर है और 45 लाख रुपए की लागत से ये पानी पहली बार इनको मिलने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखो, जब भी नए लोग आते हैं, एक नई ऊर्जा आती है और मैं समझती हूँ आने वाले समय के लिए बहुत अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, सबको लेकर चलेंगे।